गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम हैं गुड़गांव में। कैपिटल हार्ली शोरूम जो है गुड़गांव का प्रीमियम हार्ली डेविडसन का शोरूम है, वहां पे हम आए हुए हैं और ये मोटरसाइकिल हम आज चलाने वाले हैं, विच इज़ द हार्ली डेविडसन X440। रिसेंटली लॉन्च्ड हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल इन एसोसिएशन विद हीरो मोटोकॉर्प। पहला प्रोडक्ट है, बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है और कई लोग हम में से चलाने वाले हैं। करीब 6 लोग हैं हम। टॉप मॉडल्स हैं, 3 मॉडल्स में आती है और क्या क्या इसके डिफरेंसेस हैं वो भी बताऊंगा, बट अभी चलेंगे राइड में, थोड़े से फोटोज़ भी खींचेंगे। मौसम जैसा आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, तो थोड़ी थोड़ी ड्रिजल है। सुबह के अभी करीब 7:30 बज रहे हैं, सो विल स्टार्ट द राइड इन जस्ट अ वाइल। बट दीज आर द मोटरसाइकिल्स, 440cc, 27 हॉर्स पावर, 38 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। लुक्स लाइक अ वेरी नाइस मोटरसाइकिल और काफ़ी अच्छी जो है इसकी डिटेलिंग है, बिल्ड क्वालिटी है, ओवरऑल फिट एंड फिनिश है। तो विल स्टार्ट द राइड, आई विल कैच अप विथ यू ऑन द रोड। बहुत मज़ा आने वाला है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस राइड। ब्रिलियंट वेदर वैसे तो, बट थोड़ी सी अगर बारिश कम हो तो आई थिंक बहुत मज़ा आने वाला है टू राइड दीज मोटरसाइकिल्स ऑन द ट्विस्टीज विच वी आर गोना टेक वेरी वेरी सून। 6 मोटरसाइकिल्स, 6 बाइकर्स और एक सुबह बहुत ही खूबसूरत। चलते हैं आगे राइड में। सो दिस इज द फर्स्ट राइड ऑफ द हार्ली डेविडसन X440। मेन रोड में विथ ट्रैफिक एंड विथ एवरीथिंग वी आर गोइंग टू राइड एंड सी हाउ द मोटरसाइकिल एक्चुअली फील्स। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको कि राइडिंग एक्सपीरियंस इसका कैसा होने वाला है। फर्स्ट इंप्रेशन इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बहुत ही ज़्यादा जो है कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है, बहुत ही न्यूट्रल आप बैठते हो। हाँ, फुट फॉरवर्ड पोजीशन नहीं है, बट ओवरऑल पोजीशन जो है पैर की वो काफ़ी अच्छी है और हैंड का पोजीशन देख सकते हो, काफ़ी रिलैक्स्ड हाथ है मेरा। कोई भी इसमें टेंशन नहीं है कि यार स्ट्रेस हो जाएगा लॉन्ग राइड में या कुछ। बहुत ही बेहतरीन जो है मुझे तो लग रहा है यार, ओवरऑल फील जो है इस मोटरसाइकिल की। आगे जो है टीम चल रही है, शूट कर रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग है, फील्स वेरी वेरी नाइस। तो जब हार्ली और हीरो ने इस बाइक को डेवलप किया था, तो द ब्रीफ वाज दैट द मोटरसाइकिल शुड साउंड लाइक अ हार्ली, लुक लाइक अ हार्ली एंड ऑफ कोर्स राइड लाइक अ हार्ली। तो उस हिसाब से अभी देखते हैं कि मोटरसाइकिल कैसी राइड कर रही है। बारिश हो रही है थोड़ी सी, तो मैं कैमरा के लेंस को जो है साफ करता रहूंगा टाइम टू टाइम। होपफुली आपको आवाज़ भी जो है क्लीन एंड क्लियर सुनाई दे रही होगी, बिकॉज कोशिश है कि इतनी बारिश में तो हम शूट कर ही लें। ज़्यादा बारिश होगी तो ऑफ कोर्स आई हैव टू कीप द कैमरा इनसाइड। बट गोइंग फॉरवर्ड फटाफट जो है स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दूं, 440cc सिंगल सिलेंडर इंजन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वही है अभी कि सिंगल सिलेंडर पहला मोटरसाइकिल है फ्रॉम हार्ली इन एसोसिएशन विद हीरो मोटोकॉर्प। 27 bhp प्रोड्यूस करता है एंड 38 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जो है ये मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करती है। अब देखो bhp, हम सब जो है हॉर्स पावर के पीछे भागते हैं कि हॉर्स पावर का नंबर क्या है, कितनी bhp है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ट्रस्ट मी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज द टॉर्क विच इज़ 38 न्यूटन मीटर्स एंड बहुत ही बेहतरीन जो है इसका पुलिंग पावर है। हॉर्स पावर यार पता है क्या, हॉर्स पावर वंस यू गोइंग ऑलरेडी गोइंग फास्ट, उससे भी फास्ट आपको जाना है, मे बी उसमें जो है आपको हॉर्स पावर की ज़रूरत पड़े, बट जनरली स्पीकिंग टॉर्क इज़ समथिंग विच यू विल यूज़ फ्रॉम डे टू डे बेसिस पे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है 38 न्यूटन मीटर्स इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत ही बेहतरीन टॉर्क इसमें आपको मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन मशीन जो है ये होने वाली है ऑन डे टू डे बेसिस पे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और अभी कुछ 10 मिनट से मैं राइड कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि दिस इज़ रियली रियली नाइस, द टॉर्क इज़ वेरी गुड। ये देखिए पुल जब आप करते हैं तो बहुत ही मज़ा इसमें आपको आता है एंड यू नो दैट यू नो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम राइडिंग द मोटरसाइकिल। ओपन रोड्स हैं, थोड़ी सी बारिश ज़रूर है दोस्तों, बट ओपन रोड्स में अगर मैं पुल करूँ, ये देखो 6-speed गियर बॉक्स है, 5th गियर में मैंने डाला है और अभी जो है मैं पुल कर रहा हूँ 6th में। 6th इज़ ओवर ड्राइव बट स्टिल 100 km/h जो है इज अ जोक ऑन दिस बाइक, इट इज़ रियली रियली नाइस। और सस्पेंशन यहाँ पे आप देख सकते हो, जो फ्लाईओवर है उसके जॉइंट्स में सस्पेंशन इज़ वर्किंग वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा जो है इसकी राइड क्वालिटी है और सीट्स आर वेरी कम्फर्टेबल। आई मीन आई विल नॉट कम्पेयर इट टू एनी अदर मोटरसाइकिल ब्रांड और एनी अदर मॉडल एज सच,
बट लेट मी टेल यू द सीट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो मुझे लगता है लॉन्ग राइड में जब हम जाएंगे तो इसकी सीट जो है बहुत ही आपको कंफर्ट देने वाली है। यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी गुड टाइम सीटिंग ऑन दिस कंफर्टेबल सीट। मुझे लगता है लॉन्ग राइड्स के लिए ऐसा ही सीटिंग पोजीशन और ऐसे ही सीट आपको चाहिए होती है, बहुत ही बेहतरीन। मुझे लग रहा है अभी फिफ्थ गियर में हूँ और इस गियर में आप देख सकते हो जब मैं पुल करता हूँ बहुत ही फैंटास्टिक जो है इसकी पुलिंग पावर है। यही तो टॉर्क का सारा खेल है। हम हमेशा हॉर्स पावर के पीछे भागते हैं बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ वी शुड नॉट रन आफ्टर हॉर्स पावर ओनली। वी शुड लुक एट द टॉर्क फिगर्स एंड वेयर डज दिस जनरेट टॉर्क। 90% ऑफ इट्स टॉर्क इज जनरेटेड एट जस्ट 2000 RPM विच इज़ अनबिलीवेबल। तभी जो है ये बाइक किसी भी गियर में किसी भी स्पीड में आराम से जो है पुल कर लेती है। अभी फिफ्थ गियर में हूँ, 48 km/h। इफ़ आई जस्ट ओपन द थ्रॉटल आप देख सकते हो ये गाड़ी जो है अमेजिंगली पुल कर लेती है। अभी चल ही रहे हैं, बस एक रूट फॉलो करेंगे, कहीं पे रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, राइड करेंगे और ओवरऑल राइड का इम्प्रेशन कैसा है वो बाद में दूंगा। बट अभी के लिए आई फील द मोटरसाइकिल इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ऑल्सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आई एम 5'7" से थोड़ा ऊपर हूँ एंड आई वे अबाउट 60 kilos, क्लोज टू 60 kilos। तो मेरे जैसे फ्रेम के लिए, मेरे जैसे बिल्ड के लिए आई थिंक दिस इज़ रियली रियली नाइस। कोई भी मुझे हैवीनेस इस बाइक में फील नहीं हो रही है। मेरे पैर भी जो है आराम से नीचे पहुंच रहे हैं, तो पैरों को नीचे पहुंचने में भी कोई टेंशन नहीं है। क्लच फील इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, द क्लच इज़ रियली सॉफ्ट। आई मीन यू कैन लिटरली यूज़ जस्ट वन फिंगर एंड शिफ्ट गियर्स, इट इज़ सो सॉफ्ट, वेरी वेरी नाइस, आई लव द क्लच। जनरली क्या होता है ना बड़ी बाइक्स में द क्लच बिकम्स अ लिटिल हैवी, बट ऑन दिस द क्लच इज़ वेरी वेरी नाइस, आई लव हाउ द क्लच इज़। और इससे फ़ायदा क्या होगा पता है, ऑन अ डेली बेसिस आई फील दैट जब आप शहर में स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में राइड करोगे तो आपको इसका फ़ायदा होने वाला। यू आर नॉट गोइंग टू फील टायर्ड, यू आर नॉट गोइंग टू फील यू नो लेथार्जिक कि हाथ दर्द हो गए हैं, वैसा कुछ नहीं होने वाला बिकॉज द क्लच इज़ वेरी वेरी नाइस। ब्रेक की बात करूँ तो ऑफकोर्स फ्रंट एंड रेयर दोनों डिस्क हैं, ABS हैं, तो ब्रेक्स में कोई टेंशन नहीं है। ब्रेक फील इज़ वेरी गुड ओवरऑल, अगर आप ब्रेक दबाते हो तो गाड़ी जो है इट किल्स द स्पीड वेरी नाइसली, आई मीन बहुत ही बेहतरीन। देखो ब्रेक दबा रहा हूँ एंड यू कैन सी द मोटरसाइकिल शेडिंग स्पीड इंस्टेंटली, बहुत ही बेहतरीन जो है इसकी ब्रेकिंग पावर मुझे खास करके लग रही है यार, बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल है ओवरऑल। सबसे अच्छा पता है क्या, इसकी हाइट, द ग्राउंड क्लियरेंस इज डिसेंट बट जो हाइट है मोटरसाइकिल की वो अच्छी है, वो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको डरा रही है या आपके पैर नहीं पहुंच रहे। सो इवन इफ़ यू आर अ शॉर्ट हाइटेड राइडर लाइक मैं 5'7" हूँ, आप 5.5 feet के भी हैं या 5'4" के भी हैं, तो भी आई फील दैट यू आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। मज़ा आ रहा है, मौसम अच्छा है, फिफ्थ गियर में आप रहो आराम से, 2000-2500 RPM कर रही है गाड़ी, 90% टॉर्क आपको मिलता है एंड एज यू थ्रॉटल अप यू ईजिली क्रॉस 80-90 ईजिली यू नो। सिटी स्पीड्स के लिए आई थिंक लीगली अगर आप चलाना चाहते हो आई डोंट थिंक यू नीड मोर पावर देन दिस, इज ब्यूटिफुल। सुन के शायद आपको हॉर्स पावर कम लगे एंड ऑल दैट बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से यू हैव टू राइड दिस मोटरसाइकिल टू बिलीव हाउ कम्फर्टेबल शी इज़, हाउ ब्यूटिफुल इज़ द ओवरऑल फील ऑफ द मोटरसाइकिल। यू नो मोटरसाइकिल क्या है, मोटरसाइकिल इज़ ऑल अबाउट हाउ यू फील, हाउ इट मेक्स यू फील, एंड दिस मोटरसाइकिल मेक्स मी फील रियली अमेजिंग, मेक्स मी फील लाइक आई वॉन्ट टू राइड इट मोर। यू नो गियर इंडिकेटर भी है इसमें, तो वो एक अच्छी बात है कि इसमें गियर इंडिकेटर दिया गया है, आपको पता है कौन से गियर में आप हो। इसमें आपको मिल जाता है हैज़र्ड लाइट भी, यहाँ पे इस तरफ बटन दिया गया है और एक और बटन है यहाँ पे SOS बटन। अब SOS बटन क्या करता है, सपोज़ करिए आपने ऐप के थ्रू इसको कनेक्ट कर रखा है, कनेक्शन की बात हुई है तो ये टॉप एंड मॉडल है S वेरिएंट, इसमें आपको कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं, तो आपने कनेक्ट कर रखा है और SOS में आपने जो है अपने घर वालों का किसी का या फ्रेंड का किसी का नंबर जो है वो ऐड किया हुआ है। तो अगर कहीं आप फंस जाते हो, किसी भी प्रॉब्लम में है वो, आप यू नो कहीं पे रात में आप जा रहे हो, आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई या कहीं पे फंस गए हो, तो आप SOS बटन दबा दोगे, उससे क्या होगा जो भी नंबर आपने ऐड कर रखा होगा ना SOS में, उनको कॉल चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा कि आप जो है तकलीफ़ में हैं एंड देन यू नो आपको जो है बचाने के लिए वो आ सकते हैं एंड देन यू नो थिंग्स कैन बी रियली रियली नाइस।
तो वो एक चीज़ जो है मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं SOS का बटन है, ये उठा दोगे और या उठाने के बाद नीचे जो है SOS का बटन। अभी मेरा फ़ोन कनेक्टेड नहीं है इससे, तो मैं फ़िलहाल उसको डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखा सकता हूँ, बट अदर देन दैट आई कैन शो यू एवरीथिंग। द बाइक फील्स वेरी वेरी नाइस ऑन द रोड, इट फील्स प्लांटेड, यू नो, ऐसा लगता है कि चिपक के चल रही है और ऐसा नहीं लगता कि आप जब चला रहे हो तो बाइक जो है आपके नीचे से निकल जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो रही है। अभी रोड्स गीले हैं, रोड्स आर वेट, बट स्टिल यू नो व्हेन यू थ्रॉटल अप यू डोंट फील लाइक यू गोइंग टू स्लिप, या ये टायर्स जो है स्लिप करेंगे बिल्कुल भी नहीं ऐसा फील होता है आपको। 100/90 का आगे का सेक्शन है, पीछे आई फील इट्स अ 140 सेक्शन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। टॉप एंड वर्जन है तो इसमें डायमंड कट ब्यूटिफुली डिजाइंड अलॉय व्हील्स हैं, बेहतरीन बेहतरीन। द पुल इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, हाउ द बाइक पुल्स इज रियल रियली नाइस। बहुत ही खूबसूरत जंगल वाले एरिया से जा रहे हैं हम लोग यार, लुक एट दिस, दिस इज ऑल ग्रीन। बारिश की वजह से हर जगह जो है ग्रीनरी है, और हमारे साथी जो है आगे निकलते हुए ऑन द X440 ग्रुप चलता है ना जब, तब मज़ा अलग आता है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद ऐसी मोटरसाइकिल चलाई है जो इतना रिलैक्स्ड है और जिसकी राइडिंग पोजीशन फील्स सो कम्फर्टेबल, सो नेचुरल। मेरे को जो है वो फीट फॉरवर्ड वाली राइडिंग पोजीशन इतनी पसंद नहीं है, तो हार्ले डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प को शुक्रिया कि उन्होंने जो है एक ऐसी राइडिंग पोजीशन बनाई है विच इज़ नॉट रियली समथिंग जो कि कमिटेड है, माइन्यूट आप कह सकते हो कमिटमेंट आपसे मांगती है ये मोटरसाइकिल वाइल यू राइड, बट वेरी कम्फर्टेबल, फील्स वेरी वेरी गुड। एग्जॉस्ट नोट मुझे पता है आपको शायद सुनाई ना दे GoPro में राइट नाउ, बट इट साउंड्स वेरी बेसी वेरी थ्रोटी। ऑफकोर्स एक वी ट्विन की तरह ये साउंड नहीं करेगी, वो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो आप गलत एक्सपेक्टेशन आपकी होगी, बट फॉर अ सिंगल इट्स वेरी हैवी वेरी बेसी, डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स विच यू कैन प्रॉब्ली राइड। बहुत ही अमेजिंग सा जो है एक बेसी एग्जॉस्ट है जो कि आपको राइड करने में मजबूर करती है, एंड यू वॉन्ट टू राइड दिस मोटरसाइकिल फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आई मीन दिस इज़ ब्यूटिफुल। कॉर्नरिंग में भी यार बहुत बेहतरीन है, मीन कॉर्नर्स वेरी वेरी वेल, काफ़ी फास्ट कॉर्नर आगे आ रहे हैं, और 97-98 पे भी जो है कॉर्नर करते हुए ये बाइक हिलती नहीं। चैसी इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी सॉर्टेड चैसी है, आई मीन कोई प्रॉब्लम आपको इसमें फील नहीं होगी यार, एंड वेरी फास्ट। 6 गियर है, 6 गियर इज एन ओवर ड्राइव विच मीन्स इट विल जस्ट क्रूज अलॉन्ग एट 6। बहुत ही बेहतरीन। क्या मौसम है यार, ब्यूटीफुल। और ऐसे मौसम में तो बाइक गर्म बिल्कुल ही नहीं होती। वैसे भी यार ये जो है सिंगल सिलेंडर 440 है, एयर ऑयल कूल्ड इंजन है, तो ये गर्म तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है, एब्सोल्युटली नो हीटिंग इश्यूज। मुझे इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा जो है कम्फर्टेबल ये लग रही है, हीट ज़ीरो इश्यूज, ज़ीरो। मौसम देखो, ग्रीनरी देखो, कितना खूबसूरत जो है पूरा माहौल यहाँ पे बना हुआ है यार, दिस इज स्टनिंग। ऐसे मौसम में राइड नहीं करोगे तो कब करोगे यार, दिस ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। अगर आप आराम से चलाना चाहते हैं ना, दिस बाइक विल एब्सोल्युटली मेक यू फॉल इन लव विद इट। मैं बिल्कुल भी फास्ट राइडर नहीं हूँ, आई एम somebody who likes to take it very very easy, कहीं पे भी पहाड़ों में हो, जैसे ऐसे कॉर्नर में है थोड़ा सा, या स्ट्रेट लाइंस पे हो, मैं काफ़ी आराम से चलाना पसंद करता हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में ना दिस मोटरसाइकिल इज़ रियली रियली नाइस। बारिश थोड़ी सी शुरू होने वाली है लग रहा है, तो आई थिंक आई विल कीप दिस GoPro इनसाइड और पहन लेंगे रेन कोट सो दैट हम जो हैं गीले ना हो, ठीक है। कैमरा को रख दूंगा अंदर यार, बिकॉज गीला हो जाएगा तो कैमरा ख़राब हो जाता है। अंदर रख के फिर जो है मैं आपसे बात करूँगा। ओके, अभी जो है बारिश रुकी है, तो
थोड़ी सी बातें करेंगे और होपफुली वीडियो को एंड करेंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि इसमें जो है आपको USB पोर्ट मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे, तो फ़ोन वगैरह चार्ज करना है चलते हुए वो आप कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग फीचर है। और बाइक का लुक, अभी थोड़ा सा ब्रेक के लिए लुके हैं तो बाइक का लुक एक साइड से दिखा देता हूँ। गंदी हो गई है बिकॉज वी वर राइडिंग इट ऑल थ्रू। दिस इज़ हाउ द मोटरसाइकिल लुक्स। काफ़ी प्रीमियम लुक है। हाँ, कई लोगों को जो है इसका रियर शायद थोड़ा सा पसंद ना आए, बट आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट। ये गैप जो है, ये वाला जो गैप है, ये लोगों को शायद खटकता है, बट एक्चुअली जब आप बैठोगे इसमें व्हेन यू राइड, आई थिंक द सस्पेंशन हैज़ गॉट एनफ ट्रैवल देन। तो ओवरऑल जो है फील सस्पेंशन की वो भी अच्छी है, इंजन अच्छा है, ओवरऑल लुक बाइक का इज़ फैंटास्टिक। यहाँ पे आपको ऑफकोर्स हार्ले डेविडसन का जो है एक डिटेल मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ले डेविडसन, दैट्स अ वेरी वेरी गुड टच। ऑटोमेटेड जो है इसमें लाइट आपको मिल जाती है, बहुत ही फैंटास्टिक इसकी लाइट है। ऑल LEDs, इंडिकेटर्स हो गए, हेडलाइट हो गई, या पीछे जो है आपका ब्रेक लाइट भी हो गया, दिस इज़ ऑल्सो LED विच इज़ अ वेरी वेरी नाइस टच। मुझे तो बहुत पसंद आया यार इसका जो LED पूरा सेटअप है, इंडिकेटर्स भी LED है और हेडलाइट्स और ऑफ कोर्स ब्रेक लाइट भी जो है LED है, एंड ऑफ कोर्स फुल डिजिटल डैश। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं, 13 एंड हाफ लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, एंड यू शुड आइडियली गेट आई थिंक बिटवीन 25 एंड 29 किलोमीटर्स टू अ लीटर, दैट्स व्हाट आई फील। अभी ऑफकोर्स इतने से छोटे राइड में हमको एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी पता नहीं लगेगी, झूठ झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है, बट आई फील मस्ट बी बिटवीन 25 एंड 29 किलोमीटर्स पर लीटर। अगर आप प्यार से चलाते हो शायद और ज़्यादा आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है। हाइट की बात करूँ तो ऑफकोर्स जैसा मैंने कहा, आई एम 5 feet 7 inches एंड यू कैन सी आई एम फ्लैट फुट। एक तरफ, दोनों तरफ जो है एक साथ फ्लैट फुट करना मुश्किल है, बट एक तरफ जो है अगर आपने राइडिंग बूट्स पहने हैं यू कैन ईजिली फ्लैट फुट, और हल्की है बाइक, ऐसी कोई भारी बाइक नहीं है। यहाँ पे ये बटन से आप जो है ये सारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे कंट्रोल कर सकते हो, और ये इंडिकेटर है, ये हॉर्न है, यहाँ पे जो मैंने कहा था SOS बटन है वो है, और ये जो है ऑफकोर्स दीज आर द हैजर्ड लाइट स्विच, तो ये जो है सारा कंट्रोल है। मिरर्स आर डिसेंट, आई वुडन्ट से दीज आर सुपर्ब मिरर्स, थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट शायद कहीं पे आपको मिले, बट ओवरऑल मिरर्स वर्क प्रिटी वेल अकॉर्डिंग टू मी। अपसाइड डाउन फॉक्स है 43 mm, काफ़ी अच्छी जो है इसकी शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है जो मुझे लगी। एक नॉर्मल लेमैन के टर्म्स में बात करूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट समबडी हु इज़ एन मोटरसाइकिल एंथ्यूजियास्ट, तो ओवरऑल फील जो है बाइक की वो काफ़ी अच्छी लगी। द एग्जॉस्ट नोट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, तो ओवरऑल आई थिंक बाइक फील्स वेरी गुड टू राइड। मुझे तो यार पर्सनली बहुत पसंद आई है। मेटल टैंक है, ये साइड भी जो है वो भी मेटल है, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक दे दिया गया है। अगर आपके पास टैंक बैग है वो भी आप जो है यहाँ पे लगा के आराम से यूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़ी फोटोग्राफी वगैरह होगी, चलेंगे आगे एंड देन इवेंचुअली विल गो बैक टू द शोरूम। तो ये है छोटा सा एक राइड रिव्यू, अब रियल लाइफ राइड रिव्यू जिसको कहते हैं, रोड में, हमने ट्रैक में नहीं चलाई है, हमने जो है शोरूम के आसपास टेस्ट राइड नहीं लिया है, वी एक्चुअली रोड द मोटरसाइकिल ऑन द मेन रोड। 63 किलोमीटर्स जो है इस बाइक को हमने चला दिया है, अभी आई थिंक और अनदर 4, 5, 6 किलोमीटर्स में हम शोरूम पहुंच जाएंगे, तो अबाउट 70 किलोमीटर्स की जो है राइड आप कह सकते हो हमने करी है आज। ऑल थ्रू टेरेन्स, बारिश में भी चलाई है, काफ़ी पानी भरा हुआ था, स्ट्रेट रोड्स में चलाई है, गियरिंग जो है इन गियर एक्सेलरेशन टेस्ट किया है। ओवरऑल मुझे तो ये बाइक काफ़ी अच्छी लगी। आप बताना अगर आपको ये बाइक पसंद है और कि नहीं। दिस इज़ द टॉप एंड वेरियंट, S वेरियंट, इसके नीचे और दो वेरियंट्स भी आते हैं। अगर आपने बुक कराई है ज़रूर बताइएगा आपको और क्या जानना है इस बाइक के बारे में वो भी बताइएगा। तस्वीरें ज़्यादा नहीं ले पाया हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स बारिश थी और एक ग्रुप राइड में तस्वीरें इस तरह से ले पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। होपफुली अगेन आई विल गेट द बाइक फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तब शायद ट्रैवल टूरिंग एक रिव्यू बनाऊँ और ऑफ कोर्स बहुत सारी तस्वीरें भी खींचेंगे। फिलहाल आई फील दैट आई लैंड दिस वीडियो राइट हियर, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर थम्सअप कर दीजिएगा, नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। फिलहाल चाहूँगा इजाज़त और मैं मिलूँगा दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, टेक केयर, हैव अ ग्रेट ग्रेट संडे अहेड, चीयर्स।